तो हमारे पास एक मर्चेंट है जिसके पास इतना सारा ये सब आइटम है जो कि कार्ट में ऐड हुआ है। सभी को हमने एक सिंगल सिंगल पीस ऐड किया है, और ये जो आइटम पीस हमारे पास ये है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास सब टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, हमें टोटल कितना मिलेगा। तो डिस्काउंट हमारे पास 10% है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इक्वल टू साइन ले लेंगे, आइटम प्राइस ले लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कार्ड से। तो यहाँ पे हमारा आ गया 200, इसको हम कॉपी कर लिए यहाँ पे, फिर हमारा सारा पेस्ट कर दें। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐड हो गया है, ऑब्जेक्शन की फॉर्मूला B3D3 B4D4। उसके बाद हमको सब टोटल कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा सारे प्राइस को ऐड कर देंगे, ये विदाउट डिस्काउंट होगा। तो इसको तो यहाँ पे हम सम कर देंगे और इसको सारा को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा सब टोटल आ गया है, इसमें डिस्काउंट हमारा कैलकुलेटेड नहीं है। तो डिस्काउंट हमारे पास है 10%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे इक्वल टू पैरेंथेसिस, 10% है तो 10% का 1/10 होगा, तो 1 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको ये 11 से, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमको डिस्काउंट मिल गया है, और उसके बाद हम मेरा जो सब टोटल है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा जो डिस्काउंट है वो 430 हो गया है। उसके बाद हमें टोटल निकालना है आफ्टर द डिस्काउंट के बाद। तो हमने सब टोटल ले लिया है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है डिस्काउंट से, और ये हमारा 3870, ये हमारा निकल के आ गया, जो टोटल हमें इतना पे करना पड़ेगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शॉप कार्ट में हमने 2 आइटम ऐड किया है, तो हमारा ये कैलकुलेशन उसके अनुसार चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाला जो आइटम है हमें 10 लेना है। यू कैन सी द कैलकुलेशन हैव चेंज, द डिस्काउंट वैल्यू हैव चेंज आल्सो। सो इस तरह से हम निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।